वेलकम टू आस्क एमबीए। नाउ गाइस, मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि सीईटी एग्जामिनेशन का जो कैप राउंड है वो कैसे स्टार्ट होगा, क्या होगा। वेल, वो दूसरी बात है। पहली बात ये नहीं है कि आपको कैप राउंड नहीं आता, पहली बात ये है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या जो कॉलेज आपको मिलेगा क्या आपको वो लेना चाहिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए। हम सबको ना सच पता होता है, वी ऑल नो द ट्रूथ कि मुझे 70% पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे 80% पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे 90% पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, या मुझे 95 या 98% पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। बट यूजुअली हम लोग वो सुनना चाहते हैं, हम होप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स से कॉल या टेक्स्ट आते हैं कि सर हमारा 96% आया है, क्या हमें सिग्नम मिलने के चांसेस हैं। गाइस, होप्स हैं। इफ़ यू आर इन ओपन कैटेगोरी, आपको 99.6 या 7 के ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा टू गिव योर सेल्फ अ रियलिस्टिक चांस टू बी इन सिडनम, JBIMS या कोई भी कॉलेज जो टॉप 3 या 4 में MMS के थ्रू आता है। बट इफ यू आर इन अ रिजर्व कैटेगोरी, चांसेस आर दैट येस यू माइट गेट एडमिशन। हम लोग जब फॉर्म भरेंगे तो ऑफकोर्स बेस्ड ऑन योर परसेंटाइल एंड एज योर एक्सपेक्टेशंस डिजायर्स आप कॉलेजेस फिल करोगे, लेकिन सच सबको पता होता है कि कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में, पुणे ब्रांच से बैठकर खिड़की के पास, अभी ट्रैफिक का काफ़ी आवाज़ आ रहा होगा आपको इस वीडियो में, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी होप, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम इन सेइंग दैट इस परसेंटाइल पे ये मिलेगा वो। ऑनलाइन आपको लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी, वी विल स्टिल मेक अ वीडियोज ऑन दैट, दैट इज़ नॉट एन इश्यू। बट सवाल ये उठता है कि मुझे जो कॉलेज मिलेगा क्या वो मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या मुझे वापस से एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो यहाँ पे ना सिर्फ दो ही बातें, तीन भी नहीं, एक भी नहीं, सिर्फ दो बातें ध्यान में रखने वाली है। पहली बात, अगर आप वापस से री एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। पहली चीज़ कि आपको पता है कि आपको वापस से वो इमोशनल रोलर कोस्टर राइड से गुजरना है, आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, फिर से एग्ज़ाम देना है। मे बी आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने CET के साथ और सारे एग्जामिनेशन दिए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अब आपको पता है कि आपके क्या मिस्टेक्स थे, आपको कैसे उनको रेक्टिफाई करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ CET एग्जामिनेशन फिर से देना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू वॉर्न यू, आप देख चुके हैं कि CET एग्जामिनेशन क्या क्या तमाशा है। इट नेवर हैपन्स ऑन टाइम, एंड इवन इफ इट डज, रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं है। रिजल्ट कब आते हैं, कैसे आते हैं, थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग एंड दे आर नेवर स्टेबल इन MSCET examination. So guys, ये एक बहुत बड़ा challenge रहेगा. So if you want to attempt CET examination, please ask these questions to yourself. Second pointer ये, are you satisfied with what you're getting or you are compromising? If you are compromising, अगर आप compromise कर रहे हैं तो I want to tell you, आपको maybe B, C या D grade colleges तो वैसे भी मिल जाएंगे, अगले साल भी मिल जाएंगे, but if you can try again for a better score or a better opportunity via some other exam like CMAT, NMAT, CAT, please think about it. You do MBA only once in life. Mostly 99.99% chances are that ki aap zindagi mein ek hi baar MBA karoge, to acche college se kariye. Sirf kisi college se MBA karne ke liye frustration mein aake ya laziness mein aake, if you do it, it doesn't make any sense. Trust me guys, you all are capable enough to get a great score. You all are capable enough to get a great college. Given only one point, कि तुम अपनी गलतियाँ सुधारो, lazy मत बनो, be consistent and trust me. With the right guidance, you guys can achieve that. Now, if you are in Pune, you guys can come on FC Road. We are at FC Road. Ask MB is there. You guys can come and talk to us. We will have an interaction session and we will suggest you honestly that what you should be doing. You should be going for the examinations again or maybe accepting whatever you are getting now. Basically, आप क्या compromise करेंगे या आप अपने आप की situation से आप happy हैं. So basically these two things we are going to discuss. Also at Thane station पे we are there. And not just that, if you have any doubts in regards to how to fill up the CAP form, मुझे कौन से percentile पे कौन सा college भरना चाहिए, chances हैं, please do not hesitate to get in touch with us. I will share the contact details in the description box. Please WhatsApp us and we will revert to you. Thank you and stay tuned.